हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियंका एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की थी जिसे छोटी छोटी बातों पर अक्सर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। कुछ ही टाइम बाद उसकी शादी निक नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं, तभी निक उसका घूंघट हटाने आता ही है कि वो चिढ़ और गर्मी की वजह से अपना घूंघट खुद ही हटा देती है और गुस्से में बोलती है, अरे क्या है, कितनी गर्मी हो रही है, निक जी प्लीज एसी ऑन कर दीजिए, ये भारी भारी ज्वेलरी पहनकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से इस जूड़े में 10 पिन ठोकती है, कैसे निकालूं? हाँ हाँ प्रियंका, मैं अभी चलाता हूँ। निक उसकी बात सुनकर एसी ऑन कर देता है और बोलता है, इसने तो अपने आप ही घूंघट हटा दिया, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ और रोमांस कर लेता हूँ मैं, आज मेरी सुहागरात जो है। आप खड़े खड़े कर क्या रहे हैं, किसे देख रहे हैं? अरे मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और गुस्सा भी आ रहा है। अरे यार परेशान क्यों हो रही हो, अभी एसी ठंडा कर रहा है, चिल करो। ऐसे चिल करूं मैं, यहाँ गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा है मेरा। अरे यार ऐसे फेंक क्यों रही हो, थोड़ा शांत हो जाओ, अभी रूम ठंडा हो जाएगा, तुम अपनी ज्वेलरी को उतार लो ना, तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूं जूड़े की पिंस खोलने में। हाँ ठीक है कर दो आप। कितना चिल्लाती है मेरी बीवी, इसे तो बोलने में भी डर लग रहा है मुझे। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं। ये बोलकर निक उसकी जूड़ा पिंस निकालने में मदद करता है, तभी उसके सर में दर्द होता है और वो निक को कोहनी मारकर बोलती है, आउच, ठीक से करो ना, कितना दर्द हो रहा है मुझे, मेरे बाल टूट जाएंगे, दोबारा ऐसा किया ना तो फिर ना पेट में कोनिया ही मारूंगी, बोलूंगी नहीं कुछ। नहीं नहीं पक्का अब ध्यान से करूंगा। इतना बोलकर निक आराम आराम से उसके सारे पिंस को निकाल देता है और उसका नेकलेस भी निकाल देता है, जिसके बाद वो उसे बेड से धक्का मारकर बोलती है, आपसे मैंने कहा था कि मुझे नेकलेस उतारने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, नहीं ना तो फिर क्यों आए आप? सॉरी अब आपसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करूंगा। यार ये तो बहुत खूंखार जहरीली सी बीवी है, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे अपने पास भी भटकने देगी, एक बार पूछूं क्या, लेकिन मेरी तो पूछने में भी फट रही है। प्रियंका अपनी ज्वेलरी उतार ही रही होती है कि निक की तरफ देखती है और बोलती है, क्या है ऐसे क्यों घूर रहे हो, कभी देखा नहीं है क्या किसी लड़की को, या बीवी बन गई हूँ तो ज्यादा खुशी हो रही है? नहीं वो मैं कुछ कहना चाहता था, मतलब हूँ कहना चाहता हूँ, आप ऐसे ही बोलती हैं क्या, मेरा मतलब आप प्यार से नहीं बोलती, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? देखिए निक जी, इस वक्त मेरी खोपड़ी पूरे तरीके से घूमी हुई है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मैं ऐसे वैसे किसी मूड में नहीं हूँ, तो आप भूल जाओ कि आज रात हमारी सुहागरात होगी, ठीक है, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, हाँ और चुपचाप सो जाओ, कल बात करेंगे इस बारे में। मैं सो जाता हूँ, मैं बेड पर सोऊं क्या? चुपचाप सोफे पर पिलो लेकर चद्दर लेकर सो जाइए, मैंने कहा ना इस बारे में हम कल बात करेंगे। ये बोलकर प्रियंका उसके मुंह पर ब्लैंकेट फेंक देती है और फिर निक सहम कर अपनी बीवी के खौफ से वहीं सोफे पर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भी बेड पर पसर कर सो जाती है। अगले दिन प्रियंका जल्दी उठकर एक आदर्श बहू की तरह सारे घर का काम करती है और नाश्ता बनाती है, तभी वो अपने पति के पास हाथ में चाय का कप लिए आती है और अपने गीले बालों से उस पर छींटे डालकर उसे जगाते हुए प्यार से बोलती है, सुनिए निक जी उठिए ना। भूत। अरे निक जी मैं हूँ आपकी वाइफ प्रियंका, सुबह हो गई है, आपके लिए गरम गरम चाय लाई हूँ। अच्छा प्रियंका जी आपने तो डरा ही दिया मुझे, ये आप ही है ना, कल रात को तो आप बहुत गुस्से में थी, अब ठीक है? सॉरी निक जी, गुस्से में ना मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए ऐसे रिएक्ट करती हूँ, मैंने कहा था ना कि आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे, तो ये लीजिए आप चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। नहीं प्रियंका जी मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूँ। पी लीजिए ना। नहीं पीनी जी आप पी लीजिए। प्रियंका उसे प्यार से चाय ऑफर करती है, उतने ही प्यार से निक उसे मना कर देता है, ये देखकर वो फिर से इरिटेट हो जाती है
और गुस्से में बोलती है, आप चाय नहीं पी सकते क्या? अरे मैं इतने प्यार से आपके लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ, ऊपर से आप वो की नखरे करे जा रहे हो। अरे लोग तरसते हैं कि उनकी नई नवेली बीवी उनके लिए चाय बनाकर लाए, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो आपसे पी नहीं जा रही है। मतलब आपको मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता, आप चाहते ही नहीं है कि हम दोनों के बीच की बात आगे बढ़ जाए। अच्छा अच्छा पीता हूँ। निक उससे डर कर ठंडी चाय फटाफट से पी लेता है, जिसके बाद प्रियंका उसे गुड बॉय बोलकर चली जाती है। और जिसके बाद वो रसोई में सब्जी काट रही होती है, तभी उसकी सास कुंती आती है और बोलती है, अरे बहू क्या बना रही है वैसे? खैर जो भी बना रही है कुछ अच्छा अच्छा मीठा चटपटा तीखा बना लियो, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, ऐसा कर बता ही दे। वो माजी मैं, चल छोड़ कुछ अच्छा ही बना रही होगी तू, पर मेरे से ना रुका नहीं जा रहा, एक काम करना बता ही दे क्या बना रही है। वो माजी, अरे बहू बताना मीठा चटपटा क्या बना रही है। तभी प्रियंका को बहुत तेज की गुस्सा आता है और वो इरिटेट होकर सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी सास की तरफ इशारा करती है और बोलती है, क्या है माजी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? अरे आप यहाँ आने से पहले डिसाइड नहीं कर सकती थी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और क्या खाना है तो क्यों खाना है, और जो नहीं खाना है तो वो क्यों नहीं खाना है? क्यों बोल बोल कर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा रही हो? अरे कभी कहती हो आपको तीखा और चटपटा खाना है, कभी कहती हो कि आपको मीठा खाना है, और फिर मुझसे कहती हो बहू जो तेरा दिल करे वो बना ले, और जैसे ही बनाने लगती हूँ फिर आप मुझे कहती हो कि बहू रुक जा। अरे इतना बोलोगी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ये लो पकड़ो अपने बर्तन और खुद बना लो जो भी खाना है। बहू चाचा चाकू नीचे कर। क्या डोगे की तरह बहू 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 करे जा रही हैं आप? माजी देखिए मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, ससुराल में मेरा पहला दिन है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सॉरी माजी आगे से ऐसा नहीं होगा, आप बताइए क्या बनाऊँ? बहू तेरा जो भी मन है वो बना ले, मैं कुछ भी खा लूंगी, घास भी चलेगी। क्या माजी मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरे ऐसे बिहेवियर से ये बहुत ज्यादा डर गई हैं। माजी आप ऐसा कीजिए आप कमरे में जाइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए कुछ लेकर आती। जैसे ही प्रियंका अपनी सास को उसके कमरे में उसे सहारे देते हुए छोड़कर लेटाती है तो वो बोलती है, माजी मुझसे कितना ज्यादा डर गई हैं, इतना डर गई हैं कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। मैं अपने इस ओवरलोडेड गुस्से का क्या करूं? कल रात मैंने निकजी पर निकाल दिया और आज माजी पर। हे भगवान दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, प्लीज दोनों मुझे माफ कर दे बस। ये बोलकर प्रियंका अपनी सास के दोनों हाथ रब करने लगती है और सहलाती है ताकि उसकी सास थोड़ी नॉर्मल हो जाए। बहुत देर तक प्रियंका ऐसा ही करती है और सर दबाते हुए उसे सुला देती है। तभी अपनी माँ को ढूंढते हुए दीपिका आती है और कहती है, अरे माँ कहाँ हो आप, कहीं दिख भी नहीं रही मुझे। अरे दीदी माजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अचानक से ना बहुत कपकपी से महसूस हो रही थी तो मैंने उन्हें सुला दिया, आप मुझे कंबल निकाल कर दे दीजिए प्लीज। पर भाभी अचानक कैसे, रात को तो ठीक थी माँ। दीदी उन्हें ठंड लग रही होगी, वैसे भी तो मौसम बदल रहा है ना। प्रियंका की बात सुनकर दीपिका कंबल निकाल कर दे देती है और 3 घंटों बाद कुंती को होश आता है और वो अपनी बहू को देखकर डरते हुए बोलती है, बहू तू यहाँ? माजी मैंने आपसे बेहद ऊंची आवाज में चाकू दिखाकर बात की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बहू। माजी आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। प्रियंका की बात सुनकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर उसकी तारीफ कर प्यार से पहले रसोई का उसी शगुन भी देते हैं। अगले दिन प्रियंका नहा धोकर अपने कमरे में मिरर के आगे खड़ी होती है और बोलती है, कल मेरी वजह से माजी और निक दोनों को इतनी प्रॉब्लम हुई, माजी को तो मना लिया अब बस निक को मनाना बाकी है। ये बोलकर प्रियंका अपनी रेड लिपस्टिक निकालकर मिरर पर आई लव यू लिख देती है, तभी उसके हाथ से लिपस्टिक नीचे गिर जाती है और वो जैसे ही उसे उठाती है तो उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। और उसी वक्त दीपिका अपनी भाभी के पास आती है और उसे देखकर डर जाती है। भाभी भूत, भाभी भाभी भूत खून से शीशे पर लिखा है। दीपिका की आवाज सुनकर प्रियंका ऐसे ही मुड़ती है और बोलती है, हाँ दीपिका दी। ये सुनकर दीपिका भाग जाती है
और अपनी माँ के पीछे छिप जाती है। प्रियंका अपने बाल सही करके इन दोनों के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ दी, आप डर क्यों गई? कमरे के अंदर क्यों नहीं आई? माँ मम्मा माँ भाभी भूत है, खून से लिख रही थी कुछ शीशे पर। ये क्या बोल रही है दीदी आप? माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मिरर के ऊपर खून से नहीं, मैंने लिपस्टिक से लिखा था इनके लिए। दीपिका तुझे कोई गलत फहमी हो रही होगी बेटा, तू जो सोच रही है तेरा वहम है। नहीं माँ। ऐसे ही शाम के समय सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी प्रियंका के फोन पर कंपनी वालों का कॉल आता है जो उसे बार बार उसकी स्कीम लेने को बोलता है। अरे भैया मैंने आपको बोला था ना कि मुझे ये स्कीम नहीं चाहिए, फिर आप जबरदस्ती मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि नहीं चाहिए। अरे मैम प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। तभी इरिटेट होकर वो गुस्से में बोलती है, क्या स्कीम लगा रखा है? अरे जब एक बार मना कर दिया कि नहीं चाहिए स्कीम तो जबरदस्ती ले लो। कब से फोन कर करके परेशान किए जा रहे हो? अगर आज के बाद दोबारा मुझे कॉल कर दिया ना तो आपको और आपकी कंपनी को ढूंढकर दोनों को ठोक दूंगी। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और सबको उसका खौफ हो जाता है। अपने ससुराल वालों की शक्ल देखकर वो बोलती है, माँ जी दीपिका दी निक जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझसे डरिए मत। जब भी मैं इरिटेट होती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से मैं ऐसे चिल्लाने लगती हूँ। हमें प्रियंका को समझना चाहिए, अब से हम तुमसे प्यार से ही बात करेंगे और तुम भी हम सबसे प्यार से ही करोगी। सही कहा बेटा तूने। इस तरह सब उससे प्यार से बात करते हैं जिसके बाद वो अपनी बहू से नहीं डरते। सुमित और तान्या 2 साल से रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फिलहाल दोनों अपनी फ्रेंड्स के साथ एक हिल स्टेशन पर आए थे जहां नजारा बेहद खूबसूरत था। दोनों अपने बैग्स लेकर एक चाय की टपरी पर जाते हैं और थक कर वहीं अपने बैग जमीन पर रख देते हैं और तान्या बोलती है, सुमित बेबी अब मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं चल सकती और ठंड भी बहुत लग रही है, उन दोनों को आप यहीं रोक लेना जब वो आ जाए, हम जल्दी जल्दी चलकर बहुत आगे आ गए हैं, उन्हें पीछे ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ जान, उन्हें भी थोड़ी प्राइवेसी दे दो, उन्हें अपना रोमांस करने दो, हम यहाँ करेंगे। जानती हूँ लेकिन अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। यार आ जाएंगे, वो बच्चे थोड़ी हैं, जब तक हम गरम गरम चाय पी लेते हैं। सुमित चाय वाले से 2 कप चाय लेता है, दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी सुमित उसे गले लगाकर बोलता है, तान्या यू नो व्हाट, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। जब तुम मेरी बहुत केयर करती हो ना तो कसम से ऐसा लगता है तुम मेरी वाइफ हो और वाइफ वाली फीलिंग आने लगती है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ तान्या, आई रियली लव यू। तान्या कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू टू सुमित, मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इन गुजरे हुए 2 सालों में हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। हाँ तान्या सच में इस ट्रिप पर आकर हम अपने प्यार के पलों को और सजाएंगे। ये बोलकर सुमित उसे फोरहेड पर किस करता है जिसके बाद तान्या भी उसे किस करती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके दोनों फ्रेंड्स साहिल और बरखा आते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं, अरे ओ तोता मैना, तुम्हारा रोमांस हो गया हो तो आगे चले, होटल भी पहुंचना है भाई। हाँ ठंड भी बढ़ती जा रही है। अरे तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे हम, अब चले। ये बोलकर दोनों अपना बैग उठाकर उन दोनों के साथ आगे पैदल पैदल चलने लगते हैं। चारों मस्ती करते हुए चलते हैं, कभी सड़क पर बैठकर सेल्फियां लेते तो कभी अपनी अपनी जीएफ को पीठ पर बैठाकर आगे चलते। मस्ती करते हुए वो अपने होटल में चेक इन करते हैं। दोनों कपल्स अपने रूम में जाते हैं। तान्या रूम में आकर विंडो के पर्दे हटाती है और वहाँ से बर्फ और वादियों का नजारा देखकर एक्साइटेड होकर बोलती है, वाओ सुमित कितना सुंदर व्यू है, इसे देखकर ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। अच्छा तो सुना दो। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां है मेरे हमनवा, आ गए हम कहाँ, मुझे तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। तान्या बहुत अच्छा गाना गाया तुमने, मुझे भी ये जगह ये नज़ारा सब अच्छा लग रहा है, वो इसीलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। हम बाहर कब जाएंगे मजे करने के लिए, और हम रात को बॉर्न फायर भी जलाएंगे। हाँ मेरी जान सब कर लेना, पहले रेस्ट तो कर लो, तुम थक गई होंगी। तान्या उसकी बात मानकर रेस्ट करती है
और सुमित कुछ खाने के लिए रिसेप्शन पर बोलने चला जाता है। कुछ देर बाद चारों बैठकर एक साथ लंच करते हैं। रात में बॉनफायर जलाकर दोनों अपनी जीएफ के साथ एक ही ब्लैंकेट में बैठे हुए थे और मजे कर रहे थे। दो चार दिनों तक चारों हिल स्टेशन की ट्रिप को घूम घूम कर इंजॉय करते हैं। अगले दिन सब वापस लौटने वाले होते हैं। तान्या अपनी पैकिंग करती है और तभी सुमित बोलता है, तान्या यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, मैं जरा माँ को कॉल करके आता हूँ, टाइम लगेगा क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना कैसी जगह है ये। ओके सुमित, बट मेक श्योर तुम जल्दी आओ कॉल करके। ये बोलकर सुमित नेटवर्क को फोन में चेक करते हुए जा ही रहा था कि एक रूम से उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो रुक कर बोलता है, ये क्या, मुझे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सच में आ रही है या ऐसे ही? प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, समवन प्लीज हेल्प मी। अरे ये तो सच में आवाज आ रही है और कोई लड़की बहुत परेशान है, मुझे जाकर देखना चाहिए। सुमित भागकर उस रूम के पास जाता है जहां दरवाजा अंदर से लॉक था और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुमित साथ वाले रूम की बालकनी से उस रूम की खिड़की में से कूदकर अंदर रूम में जाता है जहां वो देखता है कि एक लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। सुमित उस लड़की को बचाने के लिए उस बदमाश को बहुत मारता है, साथ ही शोर और चीखने की आवाज सुनकर उस लड़की के पेरेंट्स साथ में तान्या और उसकी फ्रेंड्स भी वहां आ जाती है। सब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ना ही दरवाजा खुलता है और ना ही टूटता है। वही अंदर सुमित उसे बहुत मारता है और वो बदमाश खिड़की से कूद जाता है और सुमित बोलता है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, मेरे साथ इतनी बदसलूकी जो की। ऐसा करिए आप मेरी शर्ट पहन लीजिए। सुमित ये बोलकर उसे अपनी शर्ट देता है जिसके बाद माया उसे पहन लेती है। सुमित जा ही रहा होता है कि तभी उसके पैर के नीचे बोतल आ जाती है और वो माया को लेकर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और सब देखते हैं और सबको कुछ और ही नजारा नजर आता है। ये देखकर तान्या बुरी तरह टूट जाती है और गुस्से में रोते हुए बोलती है, वाह सुमित, तो यहाँ तुम्हारे नेटवर्क आ रहे हैं? ऐसे जमीन पर एक दूसरे की बाहों में लेटकर तभी बार बार बोल रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी, क्यों सुमित, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये प्यार। तान्या उसे खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। वहीं माया के पेरेंट्स उसे इस हाल में रोता देखकर सुमित पर बेहुदा इल्जाम लगाते हैं। माया अपनी माँ के गले लगकर रोती है। माया के पिता गुस्से में उस पर हाथ उठाते हैं कि तभी माया उसे रोककर बोलती है, नहीं पापा, इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मुझे बचाया है। जिसने मेरे साथ ये सब किया वो तो भाग गया, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं बच ही नहीं पाती। अरे मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी, अरे नर्क में जाए वो इंसान, कीड़े पड़े उसे। अब हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा, मेरी बेटी का क्या होगा? विमला, कौन इसका हाथ थामेगा? अंकल अपने आप को संभालिए, वो बिल्कुल ठीक है, अब मुझे जाना होगा, आप सब उनका ख्याल रखना। नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते, भगवान के लिए रुक जाओ और मेरी बेटी का हाथ थाम लो, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा कोई और इससे शादी नहीं करेगा। इतने सारे लोगों ने तुम्हारे साथ मेरी बेटी को देखा है, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ बेटा, मेरी बेटी का जीवन भर का साथी बन जाओ। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप, एक तो तान्या मुझे गलत समझकर मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई है, ऊपर से इनकी बेटी की जान बचाई और ये मेरे मत ही मर रहे हैं इसे, मुझे तान्या के पास जाना होगा पहले। अंकल अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, फिर मैं आपसे आकर बात करता हूँ। नहीं बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा, पहले मुझे वचन दो कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बोलो बेटा दोगे ना वचन मुझे? बेटा वचन दोगे ना? माया के पिता बार बार उसे एक ही सवाल करते हैं जिससे पीछा छुड़वाने के लिए या तान्या को समझाने के लिए वो जल्दबाजी में वचन दे देता है, जिसके बाद माया के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा शुक्रिया, तुमने हमारी बेटी का हाथ थामा। सुमित परेशानी में उन अंकल की कोई बात नहीं समझ पाता और तान्या को रोकने की धुन में उसके पीछे पीछे चला जाता है और तान्या को आवाज देता है, तान्या
तान्या रुको, एक मौका तो दो मुझे अपनी बात कहने का। प्लीज मुझे ऐसे अकेला करके गलत फहमी की वजह से छोड़कर मत जाओ। प्लीज तान्या, तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच है, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ। तान्या तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। सुमित मेरा हाथ छोड़ो। I said leave my hand, सुमित। तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। अरे झूठी थी तुम्हारी वो सारी बातें, that you love me so much। क्या कहा था तुमने मुझे कि मुझे देखकर तुम्हें वाइफ वाली फीलिंग आती है क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। अरे एक एक शब्द झूठा था तुम्हारा। और हाँ, कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें मुझे छोड़कर किसी और की बाहों में जाना पड़ा। तान्या ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो मैंने जाकर उसे बचाया। ऐसे बचाया था तुमने उसे, शर्ट उतार कर उसके ऊपर गिर कर ऐसे मदद करते हो तुम। और तुम उसकी, यू नो व्हाट सुमित, सारे लड़के एक ही मिट्टी के बने होते हैं, वो कभी किसी एक लड़की से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। नहीं नहीं तान्या, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तान्या तान्या मैं नहीं जी पाऊंगा। सुमित उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तान्या उसे छोड़कर वहां से अकेली चली जाती है और सुमित के दोस्त उसे इस हाल में संभालने की कोशिश करते हैं। तभी माया के पेरेंट्स आते हैं और उससे बात करते हैं। इसी के साथ वो उसे वचन को पूरा करने की कहते हैं और ना चाहते हुए भी अपने टूटे दिल के साथ सुमित माया से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद एक कमरे में अकेले बैठे हुए सुमित रोकर बोलता है, इतना प्यार करने के बाद भी तान्या तुम मुझे नहीं मिली और हमारा सालों का प्यार एक छोटी सी गलत फहमी के चलते खत्म हो गया। क्या यही लिखा था मेरी किस्मत के पन्नों में कि मैं प्यार किसी और से करूंगा और शादी किसी और से। तान्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता रहूंगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सुमित अपनी जिंदगी के मुश्किल सफर में आ गया था जो वक्त के साथ उसे एक नया सुमित बना देता है जो सिर्फ माया का पति था। आखिरकार दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। एक रात राधा घर से भागकर किशन के पास आती है और किशन का हाथ थामते हुए रो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच किशन राधा से बोलता है, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, हमें किसी भी शादी रीति रिवाज फेरों और रस्मों की जरूरत नहीं। हाँ किशन, हमारा ये अटूट प्रेम बंधन जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। भले ही तुम मेरे साथ ना हो पर पल पल मेरे दिल में रहोगी। काश मैं तुम्हारी हो पाती किशन, काश, लेकिन अफसोस ये हो नहीं सकता। अब जो हो चुका है उसमें ढलना सीखो राधा, आगे ना जाने तुम्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, संभालो अपने आप को। राधा एक राइटर के पोस्ट पर काम करती है। उसके बेस्ट फ्रेंड फलक जो उसी के ऑफिस में थी, एक दिन राधा फलक के साथ ऑफिस आ रही थी और बीच रास्ते में उनकी स्कूटी खराब हो गई थी। उन्हें लेट हो रहा था और ऐसे में कोई टैक्सी भी नहीं आ रही थी। ऐसे में फलक गुस्से में आकर कहती है, अबे शिट यार, ये हमारे साथ ही होना था, हम तो आज पक्का लेट हो जाएंगे और ऊपर से बॉस की डांट। मेरा तो मन ही नहीं करता उसका सुबह सुबह मुंह देखने का, लेकिन हर सुबह उसी का चेहरा देखना पड़ता है। तू रिलैक्स हो जा, मैं अभी कुछ करती हूँ, तू आराम से बैठ बस। तू क्या अब हमारे लिए एरोप्लेन की टिकट बुक करेगी ऑफिस जाने के लिए? तू अपना मुंह बंद करती है कि नहीं? दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने एक ब्लैक कार खड़ी होती है जिसमें किशन बैठा होता है। किशन बहुत ही हैंडसम और गोरा चिट्टा लड़का था जिसे देख फलक उस पर फिदा हो जाती है। फलक उसे लिफ्ट के लिए पूछते हुए बोलती है, हेलो हैंडसम, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरा मतलब हम दोनों की, हमारी स्कूटी बंद पड़ गई है अचानक। फलक की बात सुनकर राधा उसे मना करती है लेकिन किशन फलक और राधा को कार में बैठने के लिए बोलता है। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं यार, प्लीज कार में बैठो, मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी हेल्प की, हम ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे, तू पागल हो गई है क्या? हम लेट हो रहे हैं और मुझे उस सड़े से शक्ल वाले बॉस की डांट नहीं सुननी। फलक बात समझ, मैं क्यों मना कर रही हूँ तुझे? क्यों, क्या हो गया? ये वही है जिसके साथ मेरी ऑफिस में कभी नहीं बनती और तुम मुझे इसके साथ कार में ऑफिस जाने को कह रही है। अरे तू पागल है क्या, तूने वो कहावत नहीं सुनी कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? उन दोनों के फुसफुसाहट देखकर किशन उनसे बोलता है, अब कानाफूसी हो गई हो तो ऑफिस के लिए चले या मैं जाऊं? फलक किशन की बात सुनते ही राधा का हाथ पकड़ती है और उसे कार में बैठा देती है।
तीनों ऑफिस पहुंचते हैं और राधा किशन को थैंक यू बोलकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। किशन उसको देखता और उससे बोलता है, सिर्फ थैंक्स इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर किराया दूं? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कभी और बात करता हूँ तुमसे। तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्या मैं अब जा सकती हूँ अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो? नहीं मतलब जाओ। साइड प्लीज। या श्योर। राधा वहाँ से चली जाती है लेकिन किशन फलक के पास आ जाता है और उससे राधा के बारे में पूछने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये जो तुम्हारी दोस्त है क्या नाम है उसका, राधा, इसको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है क्या? मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। अरे अरे सच बताओ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, मैं राधा की तरह नहीं हूँ। अगर तुम इतना पूछ ही रही हो तो ठीक है, लेकिन बताना मत उसे, मुझे वो पसंद है। मुझे लगा ही था बच्चू। ओ प्लीज मेरी टांग मत खींचना तुम। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कैसे भी करके मेरा मैसेज उस तक प्यार से पहुँचा दो, चॉकलेट दूंगा बड़ी वाली। पक्का? फलक ऑफिस की छुट्टी होने पर राधा के साथ ही जा रही होती है, तभी बातों ही बातों में वो किशन की बात भी बताती है, जिसको सुनकर राधा बोलती है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे शुरू से ही उस पर शक था, बस इसलिए मैं उससे बात करने से डरती थी। क्यों, तुझे वो पसंद नहीं है क्या? नहीं, बात पसंद की नहीं है फलक, दिल तो मेरा भी उस पर आ गया है, लेकिन मैंने तुझसे भी एक बात छुपाई है। क्या, तूने मुझसे कोई बात छुपाई है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं फलक, मेरी शादी राहुल के साथ फिक्स हो गई है, इसलिए बस मैं किशन से दूर रहना चाह रही थी कि कहीं मैं उसे प्यार ना कर बैठूं। लेकिन अब तो किशन ने खुद ही ये बात बोली है, तो मुझे और भी संभल कर रहना होगा। किशन उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था और ये सब सुनकर राधा और फलक के सामने आ जाता है और राधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, शादी फिक्स करी गई है, हुई तो नहीं ना? तुम यहाँ कैसे? और प्लीज छोड़ो मेरा हाथ, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ते हैं। शायद तुमने मेरी सारी बातें सुनी ही होंगी, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ। सच में राधा, मैं चला जाऊँ तो तुम खुश हो जाओगी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इन बातों का कोई मतलब नहीं है किशन। मुझे सिर्फ हाँ या ना सुनना है, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब तुम मुझ पर छोड़ दो सब। उन दोनों के बीच की कहानी सुनते सुनते फलक बोलती है, अरे मैं भी हूँ साथ में, भूल तो नहीं गए आपस की बातों में? अरे मैडम आपको कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे ही तीनों आपस में एक साथ बहुत समय बिताते और मजे करते। किशन और राधा कभी मूवीज के लिए जाते तो कभी विजिटिंग प्लान्स पर घूमने निकल जाते, लेकिन इन सब के बीच राधा को सिर्फ एक चीज का डर होता था कि कहीं घर वालों को पता न चल जाए। इस बात से परेशान होकर वो खुद से बोलती है, मुझे किशन की आदत हो गई है, मैं कभी भी उसे छोड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए तो? किशन उसका उदास चेहरा देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी सी चूहिया को, क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं किशन। अरे मेरी राधा की आंखों में आंसू, नहीं ऐसे नहीं रोते। राधा रोते हुए उसके गले लग जाती है और किशन उसे चुप कराते हुए उसके सर को सहलाता है, लेकिन तभी राधा का भाई उन दोनों को देख लेता है। वो राधा का हाथ पकड़ते हुए उसे दूर करता है और किशन को बहुत मारता है। वो राधा को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो उसे कमरे में बंद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। किशन राधा के घर वालों के पास आकर उनसे माफी मांगता है, लेकिन उसके घर वाले उसे घर से धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। राधा बहुत परेशान हो जाती है और वो रात में चुपके से घर से भागकर किशन के पास आ जाती है, लेकिन किशन उसे समझाते हुए बोलता है, राधा मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे घर वालों को मनाने की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। क्या हम दोनों घर नहीं छोड़ सकते? नहीं नहीं राधा, ऐसा हरगिज मत करना। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत को रखने के लिए मुझे छोड़ना होगा, घर को नहीं। मेरी बात समझो राधा, जमाने के लोग हमारा और हमारे परिवार का बहुत मजाक बनाएंगे और हमारी वजह से उनका मजाक उड़े, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन किशन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, हमें किसी भी शादी रीति रिवाज फेरों और रस्मों की जरूरत नहीं। हाँ किशन, हमारा ये अटूट प्रेम बंधन जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। राधा किशन की बात मानती है और राहुल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।